please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सख्त रुख अपना रहे हैं। सीएम योगी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने रेप के दोषियों को फांसी देने की बात कही और ये भी कहा कि वो इस बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे। अजीत, ये बड़ा बयान है योगी का। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, वो चाहे दूसरे शहरों की हो, बुलंदशहर की हो या फिर उन्नाव की, उस पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सीधे सीधे डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह, महिला सुरक्षा और उनसे संबंधित सभी मामलों की सीधे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, लिखने के लिए कहा, जिसमें नाबालिग को रेप पर फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक्शन में आ गई है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी सीसीटीवी लगाए जाएं, 109 वुमेन हेल्पलाइन जो डायल 100 है, उसका समन्वय बढ़ाया जाए और रेप के जैसे मामलों में मेडिकल करते समय डॉक्टरों को संवेदनशीलता बरतने की ट्रेनिंग भी दी जाए। यानी महिलाओं को लेकर काफी संजीदा नजर आया। आज मुख्यमंत्री जब बैठक ले रहे थे कानून व्यवस्था की, इसके अलावा उन्होंने भी कहा कि एडीजी और आईजी स्तर के जो अफसर हैं वो जिले में जाकर हालात का जायजा लें और ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं के प्रति जो अपराध करें उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और बाकायदा इसलिए सरकार को पत्र। अजीत, शुक्रिया आपका। दिल्ली के साकेत में रात के अंधेरे में सड़क पर एक ऑटो और सफेद रंग की एक कार टूटी फूटी हालत में खड़ी दिखाई दी। आरोप है कि तेज रफ्तार कार ने सिग्नल तोड़कर सामने से आ रहे ऑटो को जोरदार टक्कर मारी, जिससे ऑटो बुरी तरह से टूट फूट गया और उसमें बैठे एक लड़के की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया। इधर से गाड़ी आई, इसको ठोक दिया, इसमें जिसमें हमारे एक बंदे डेड हो गई और तीन घायल है। आरोपी की कार तेज रफ्तार में थी और सिग्नल तोड़ते हुए ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो और कार दोनों को ही भारी नुकसान पहुँचा। हादसे के बाद कार का ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। सवाल ये कि हादसों के बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस को इन हादसों से बचने के लिए तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के साथ ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों में लोगों की जान ना जाए। हरियाणा के रोहतक में कुछ महिलाएं कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक के स्वागत में नाचती नजर आई। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद अपने घर पहुंची साक्षी ने देश में हाल ही में हुई रेप की घटनाओं पर दुख जताया और परिवार वालों के स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत में सरकार से सख्त कानून बनाने की अपील की। इससे पहले ओलंपिक में भी पदक जीतने वाली साक्षी ने रेप की घटनाओं की निंदा की और दुख जताया कि महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाओं का असर खिलाड़ियों के मनोबल पर भी पड़ता है। ये बिल्कुल निंदनीय है, मैं मतलब इसके बहुत खिलाफ हूँ और जो है अच्छे रूल बनाने चाहिए कि आगे से ये घटनाएं ना हो। साक्षी ने बताया कि उन्हें कठुआ और उन्नाव में रेप की घटनाओं की खबर कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान मिली थी, जो उनके लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं थी। हालांकि साक्षी मलिक ने उम्मीद जताई कि सख्त कानून की मदद से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। सवाल ये कि देश में हाल ही में हुई रेप की घटनाओं का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा था। क्या इन घटनाओं को लेकर खेल जगत से जुड़ी हस्तियों की अपील का असर सरकार पर पड़ेगा, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा ना होना पड़े। सख्त कानून और जागरूकता के बावजूद देश में बच्चों का यौन उत्पीड़न कम होने के बजाय और बढ़ गया है, ये दावा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के चिल्ड्रन फाउंडेशन की एक रिसर्च में सामने आया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले तीन सालों में बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में 34% की बढ़ोतरी हुई, जबकि देश में जाँच एजेंसियों और कोर्ट की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया। रिसर्च में सामने आया कि 5 से 9 साल की हर पांचवी बच्ची किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है। रिसर्च के दौरान 65% युवाओं ने माना कि बचपन में उनका यौन उत्पीड़न किया गया। रिसर्च में पुलिस ने जो दावा किया वो ये कि यौन उत्पीड़न के 96% मामलों में आरोपी पीड़ित के परिवार का या उनकी जान पहचान का निकला।